दिल लागल रंदल वाली से जैसा नाम है, आप समझ सकते कि फिल्म थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि हम इस फिल्म में देश विदेश की बात कर रहे हैं, लंदन जुड़ गया है साथ में, तो ऑब्वियसली बात है कि सब्जेक्ट भी थोड़ा सा वहाँ से जुड़ा हुआ भी होगा। वैसे तो सब्जेक्ट हमारे बेसिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से मेरा जो किरदार है वो उसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत मज़ेदार किरदार है। और जैसे कि मैंने और भी फिल्मों में अपने डिफरेंट डिफरेंट किरदारों को निभाया, इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किरदार है। और अमरीश जी हैं साथ में एज ए हीरो, मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ पहले भी फिल्म कर चुकी हूँ मैं, हमसे बढ़कर कौन, और उनकी पहली फिल्म थी ये मेरे साथ, और उसके बाद ये मेरी सेकेंड फिल्म है इनके साथ करने के लिए। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो अमरीश जी ने कही हैं वो बहुत ही सही कही हैं, फिल्म को लेके भी, और किस तरीके से हम अब देश विदेश जाने लग गए हैं, फिल्मों को बाहर तक अपना पहुंचाने लगे हैं। हमारी जो भोजपुरी फिल्म्स हैं वो हमारे यूपी बिहार से निकल के बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच रही हैं, तो हम लोग सबका ये एक दायित्व है कि हम उसे वहाँ तक पहुँचाएँ। हमारी ऑडियंस वहाँ पर भी पहुँच गई है, जैसे कि दोहा कतर हम जाते हैं या मॉरिशस जाते हैं, सभी जगह हमारे लोग हैं, तो लंदन भी हमारा बेस है ऐसा नहीं, वहाँ पे भी लोग हैं मैंने सुना है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर वहाँ जाके शूट करते हैं, वहाँ के लोगों को भी जोड़ते हैं, तो हमें एक और कंट्री मिलती है अपने लोगों से जुड़ने की। और इसमें जो हमारे डायरेक्टर हैं बेलू जी, बेलू जी के साथ मेरी पहली फिल्म है, हालांकि एक्चुअली हम इनके साथ काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे हैं फिल्म, इससे पहले हीरो गमछा वाला, और कौन सी फिल्म थी आपकी बेलू जी, इधर आइए ना, आप क्या हो चुके हुए हैं, ये बेलू जी देखिए एकदम चॉकलेट हीरो की तरह चमक रहे हैं आज। कई बार प्लानिंग हुई सुटी जी के साथ, लेकिन संजोग ही नहीं बन पा रहा था, और ये देखिए कि इस बार दिल लागल लंदन वाली से जो फिल्म की प्लानिंग हुई, और बिल्कुल हमें ऐसा ही लुक चाहिए था जो कि ऐसा लगे कि नहीं वो लंदन से आई हैं, तो इनका देसी लुक भी जाता है और मतलब विदेशी लुक भी जाता है, तो बहुत सोच समझ के सूटी जी को हम लोगों ने ये रोल ऑफर किया, फिर इन्होंने कहानी सुनी और हामी भरी, तो बड़ा अच्छा संजोग बना है, तो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाने की प्लानिंग है सूटी जी के साथ, अमरीश जी के साथ, और हमारे संगीतकार मुन्ना दुबे जी ने बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही मतलब अच्छा म्यूज़िक बनाया है, और साथ ही बहुत अच्छे गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के लिए, तो एक बहुत अच्छी प्लानिंग है। और आपको मैं बता दूं कि ये इस फिल्म में देश विदेश को जोड़ा गया है, और हमारे हीरो जो हैं एकदम प्योर बिल्कुल देसी अंदाज में दिखेंगे, और हमारी हीरोइन जो हैं एकदम आपको एकदम विदेशी अंदाज में दिखेंगी, तो देश विदेश का एक ऐसा अनोखा संगम इस फिल्म में, हालांकि पहले भी कई फिल्मों में हमारे हिंदी मेकर्स ने ऐसा जोड़ा है, तो भोजपुरी में हमारा ये प्रयास है कि मैं एक बहुत अलग तरह की फिल्म बनाऊं, जैसा कि हमारी फिल्में हमेशा अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर मैंने बनाया है, तो दिल लागल लंदन वाली से भी एकदम बिल्कुल डिफरेंट फिल्म बनेगी, पूरी तरह से लव स्टोरी फिल्म है और अलग तरह की लव स्टोरी है, और आप देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, मतलब आम लव स्टोरी से थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा इस लव स्टोरी में, आप लोग जाएंगे थिएटर में तो आप लोगों को कुछ नया फ्लेवर मिलेगा, एक तो सबसे बड़े लंदन देखने को मिलेगा, जी हाँ जी हाँ, और दूसरी बात इस पिक्चर में कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, बहुत साफ सुथरी फैमिली ड्रामा मूवी है ये, जब सिचुएशन हमें मिला था कि इसमें कोई आइटम सॉन्ग नहीं है ना कोई वैसे गाने हैं, लेकिन कौन-कौन से सिंगर और कितने गाने होंगे फिल्म में, टोटल इस फिल्म में 8 गाने हैं, 8 गाने में अपने आलोक जी हैं, मोहन राठौर हैं, इंदु जी हैं, रितेश पांडे हैं, और जो भी मार्केट के जो भी सिंगर अपने यही है, ज़्यादातर अपना रोमांटिक सॉन्ग है, और गाना है चटनी का, लेकिन इसमें आपको लहसुन नहीं मिलेगा, मज़ा तो आएगा। क्यों बेलू इंदु जी बहुत अच्छा गाई हैं गाना, और उनकी आवाज़ सच में बहुत सुरीली है, और सही में आपने जो बोला कि इतने फ्लेवर जो हैं उसमें मिलेंगे सॉन्ग्स में, और सॉन्ग्स में कोई आइटम सॉन्ग्स नहीं है, बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग जाते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है भोजपुरी फिल्मों को लेके कि इसमें आइटम सॉन्ग तो होगा, कुछ मसाले वसाला, मतलब लाइक आइटम सॉन्ग ही मसाला होता है हमारी फिल्मों का, लेकिन मसाला है ही सेट की बिना लहसुन बिना लहसुन का है, तो जो जितने भी पंडित हैं वो आ सकते हैं इस मसाला को खाने, यस, क्योंकि इसमें लहसुन नहीं है। हाँ बोले, कुछ कलाकार नजर आ रहे, बाकी कलाकारों के बारे में जानें, जी हाँ, बाकी कलाकार इसमें और अभी हम लोग चयन करने वाले हैं, बहुत जल्दी हम उनका नाम आपके सामने घोषणा करेंगे, तो अभी हमारे मेन जो किरदार जो है वो अमरीश सिंह और स्वीटी छाबड़ा जी हैं,
और इनका ही रोल बहुत स्ट्रांग है थ्रू आउट पूरे फिल्म में. फिल्म इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है और कैसे एक लंदन की लड़की को हमारे अमरीत सिंह लंदन जाके इंडिया लेके आते हैं, और इंडिया में आने के बाद मतलब यूपी के एक छोटे से गांव में आने के बाद क्या क्या घटनाएं घटती हैं, और कैसे जाने अनजाने में ये दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं उनको भी पता नहीं चलता है, और बाकी फिल्म के अंदर क्या ट्विस्ट है आपको फिल्म देखने में पता चलेगा. तो एक बेहतरीन देखा जाए तो ऑडियंस के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे कि आप लंदन जाके भी लड़की पटा सकते हैं बहुत कहीं पे भी. और फिल्म के अंदर एक्शन का एक बड़ा इसमें वो है, तो फिल्म का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा एक्शन है, सेकंड पार्ट तो पूरा ही एक्शन हमने प्लानिंग किया हुआ है, और इसके लिए हम काफ़ी सारा अपना एक ग्राफ डिजाइन कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम कौन कौन से जगह पे उसको पिक्चराइज करेंगे. तो बहुत ही मतलब एक डिफरेंट टाइप की मूवी आपको दिल लागल लंदन वाली से में देखने को मिलेगा, और बेहतरीन एक प्लानिंग है. रिलीज तो हमारी ये अगले साल ही रिलीज करेंगे हम लोग, होली के बाद इसको रिलीज करने की प्लानिंग है. तो बाकी उसके पहले हमारी सारी मेकिंग हो जाएगी. सबसे पहला शेड्यूल हम लंदन में ही लगा रहे हैं, उसके बाद हम वहाँ से लौटने के बाद अपना यूपी, जैसा कि हमारे अमरीश जी ने बताया कि मिर्ज़ापुर में प्लानिंग है, विंध्याचल के मतलब देवी मंदिर के आसपास बहुत ही प्यारा लोकेशन है, तो वहाँ हम इस फिल्म को पिक्चराइज करेंगे बाकी के फिल्म को. तो काफ़ी सारा आपको इसमें देखने को मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा. थैंक यू.